यहाँ पे एक और अमेजिंग चीज़ देखने को मिली है, ये पत्थर पानी में तैर रहा है, सॉलिड पत्थर, भारी पत्थर है। पचमढ़ी ट्रिप डे 4 और टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार सुबह सुबह हमने सोचा कि आज चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। तो यहाँ पास में एक मंदिर है, जटाशंकर मंदिर, पीछे आप देख सकते हैं यार पहाड़ों के बीच बना हुआ ये, तो सुंदर मंदिर है, चल के एक बार दर्शन करते हैं। वैसे आज सुबह का जो मौसम है ना यार, बता यार कैसा है? बारिश हुई है भाई सुबह सुबह, यहाँ पे बाइक पूरी गीली हो रखी है। फील हो रहा है कि यार दिसंबर या जनवरी का महीना है, और ठंड भी बढ़ गई है यार कल से, है ना? ठंड बढ़ गई है यहाँ, ठंड भी बढ़ गई है। तो सुबह का दिन आई होप अच्छा होने वाला है, चलते हैं मंदिर की तरफ। यार मंदिर काफी स्पेशल है, पुराना है शायद, और जो भी है यार चल के देखते हैं। तो आज की जो मॉर्निंग वॉक है वो यार बहुत ही स्पेशल जगह में हो रही है। व्यू देखो, पहाड़, रास्ता, और हम जा रहे हैं शंकर जी के मंदिर। तो आज की ट्रिप के बारे में यार कुछ बता देते हैं आप लोगों को। आज हमारा लास्ट डे है पचमढ़ी में, 4 दिन हमने बिताए यहाँ पे। वैसे मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन मजबूरी जाना पड़ेगा। काफ़ी खूबसूरत दिन थे, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जगह हमने कवर की। आज का जो प्लान है यार वो ये है कि इसके बाद हम जाएंगे डचेस फॉल, जहाँ पे एक काफ़ी सुंदर फॉल बहता है, और ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, तो काफ़ी अल्टीमेट व्यू होने वाला है। और डचेस फॉल के बाद हम लोग जाएंगे रीचगढ़, जहाँ पे बहुत सारे भालू एक टाइम पर रहा करते थे। अब फिलहाल तो अभी वहाँ पे भालू नहीं रहते, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी गहरी है अंदर तक, तो वहाँ पे देखने के लिए हम लोग जाएंगे। और शाम का लगभग 4 बजे का प्लान है यहाँ से निकलने का, क्योंकि भोपाल हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे इससे। और आज जो मौसम की हालत है यार, बहुत बेस्ट मौसम है। बेस्ट मौसम है ना भैया, देखो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मन नहीं कर रहा है भाई, कैसे जाऊंगा मैं छोड़ के, रुक जाएंगे एक और दिन। टाइम की बॉन्डेशन, मजबूरी क्या नहीं करवाती इंसान से, पचमढ़ी जैसी जगह को छोड़ के भी जाने पर मजबूर कर देती है। खैर, तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ यार। ये पचमढ़ी के एकदम पास में सिटी में आप पैदल भी आ सकते हैं, और अभी जिस ट्रैक में हम लोग चल रहे हैं, इस ट्रैक में पहले गाड़ी आया करती थी। मतलब लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे गाड़ी से आए थे, गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ तक पहले गाड़ी आ जाती थी। अभी इन लोगों ने बंद कर दिया, तो 1 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं। तो जटाशंकर मंदिर की लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और शंकर जी का जो मंदिर है वो इन पहाड़ों के नीचे में है। तो अभी काफ़ी नीचे तक हमको पैदल चल के जाना है, और काफ़ी गहराई में मंदिर स्थित है, तो चलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। पीछे का व्यू आप देखिए, काफ़ी ऊँचे पहाड़ हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो सुबह का टाइम प्रेफर करना, क्योंकि सुबह की जो शांति है ना वो काफ़ी अच्छी है। ये रहा वो शंकर जी का स्टैचू ना, यहाँ से पहले दुकानें लगा करती थी, यहाँ पहले दुकानें लगती थी सीढ़ियों पर। तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तब से काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। ये रहा पीछे शंकर जी का स्टैचू, और इसके बाद कुछ दुकानें चालू हुआ करती थी जो अब पीछे शिफ्ट हो गई हैं, जहाँ पे जड़ी बूटी के सामान मिला करते थे, अभी भी मिलते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो भी ले सकते हो। पत्थरों की ऊँचाई देखो, एक सिंगल पत्थर है, पूरा पहाड़ बना हुआ है एक सिंगल पत्थर से, एक भी क्रैक नहीं है।
बीच में कोई जॉइंट नहीं है ना, काफी ऊंचे हैं। देखो यार ये वाला, वाओ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। हो सकता है शायद आपको व्लॉग में ऐसा लग रहा हो कि एनर्जी डाउन है या फिर हम लोग धीरे बोल रहे हैं, लेकिन माहौल ही ऐसा है ना। सुबह सुबह का टाइम है, बारिश हुई है और पीछे से चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ऑटोमेटिकली मेडिटेशन हो गया है। तो ये आ चुका है जटाशंकर मंदिर और इस रास्ते से होते हुए हमें जाना है। नीचे गहराई पे मंदिर बना हुआ है। तो अब हम मंदिर में एंटर होने वाले हैं और पीछे से जो आप सुंदरकांड की आवाज़ सुन रहे हो ये 12 महीने चलती रहती है। वाओ क्या व्यू है। तो नीचे जाने के लिए हम लोग रेडी हैं। ये रास्ता जाता है अंदर नीचे की तरफ, बहुत नीचे, एंड ये दोनों साइड जो पहाड़ हैं और उन दोनों पहाड़ के बीच की गुफा में हम एंटर हो रहे हैं। तो नीचे एक कुंड बना हुआ है जो नेचुरल है, दिखाता हूँ। और ये जो पानी बह रहा है नीचे ये 12 महीने बहता रहता है। तो नीचे शिव जी का मंदिर बना हुआ है गुफा के अंदर, तो अभी मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। अंधेरा है, तो अभी ये जो गुफा आपको दिख रही है यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे और नीचे नीचे यहाँ से बाहर निकलेंगे।
जय भोलेनाथ। ये जो पत्थर जमे हुए इनकी क्या स्टोरी? शिव जी की जटाएं हैं। अच्छा, ये वाले जो सारे पत्थर हैं, जितने शिवलिंग हैं ना छोटे छोटे, सब जटाएं शिव जी की। अच्छा, इसीलिए इसका नाम जटाशंकर है। ये शेषनाग है स्वयं, इसलिए जटाशंकर। ओके, ये शेषनाग है, ये वाला देख, ये शेषनाग है। और यहाँ पे गुफा बनी हुई है क्या? पानी आता है, पानी आता है। और ये जो पानी है ये नेचुरल है ना? हाँ। 12 महीने आता है, 12 महीने आता है। यहाँ से जो बह रहा है ये चुनवन होता है। ये भी अंदर गहरी गुफा है, लेकिन जाना अलाउ नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे भी पानी लगातार फ्लो हो रहा है। और इसी के आगे शायद कुंड है ना? यस, इसी के आगे जो था वो कुंड था जो हमने ऊपर से देखा था। और ये वाला पत्थर देखो, ये बीच में कहीं पर अटक गए। बायसन लॉज में हम लोग आ गए हैं और यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डचेस फॉल। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और डचेस फॉल का और रीचगढ़ का आपको मिलेगा दूसरे ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से अल्टीमेट वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।